ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। प्रस्तुत आर्थिक संकल्प से किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी को वोट देने वाले मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं था। महंगाई कम करने जैसा क्यों नहीं है? ये बजट सरकार बचाने के लिए है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दावा किया था कि वे महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी के साथ गए थे। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। इस बजट में पता चला मोदी जी का गला कौन घोट रहा है। ये देश का बजट नहीं था, ये बजट दो राज्यों का था। इस बजट से अपेक्षाएं थी कि जो एग्रेरियन क्राइसिस है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी खेती जो संकट में है, उसके लिए कोई ठोस उपाय योजना होगी। मनरेगा पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें ये वायदा भी होगा कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना खर्चा होगा, जो लोग रोजगार मांगेंगे उन्हें रोजगार मिलेगा। किसान के फसल को MSP C2 स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से वायदा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो किसानों के हाथ तो कुछ नहीं लगा। जो किसानी क्षेत्र हमें 43% रोजगार देता है उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। रोजगार को लेकर, MSME को लेकर जो अपेक्षित था वैसा कुछ भी नहीं है। कॉस्मेटिक्स जैसा नई योजनाओं को ही आगे करने की कोशिश की है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस उपाय योजना कि वो शुरू हो 2022-23 में, क्या कारण से 23 लाख MSMEs बंद हुई है, बड़े पैमाने पर MSMEs बंद हुई है जो 50% रोजगार और 25% GDP में योगदान देती है, उसके लिए कोई ठोस उपाय योजना इस भाषण में हमें कोई दिखाई नहीं दी। रोजगार को लेकर कांग्रेस की, राहुल जी की अप्रेंटिसशिप वाली स्कीम जरूर ली है, लेकिन उसमें भी काफी मक्खीचूस प्रवृत्ति दिखाई दी। और वो ये थी कि केवल 1 करोड़ लोगों को, इस देश की जनसंख्या 25 साल के उम्र के नीचे की 52% यानी 70 करोड़ से ज्यादा है, फिर 1 ही करोड़ को क्यों दोगे? और सिर्फ 5,000 इस देश के डिप्लोमा धारक, इस देश के इंजीनियर, ग्रेजुएट, MBA, इनको सिर्फ 5,000 रुपया, और वो भी सिर्फ 1 करोड़ लोगों को, बाकी 69 करोड़ लोग कहां जाएंगे? तो इसमें कुछ भी नहीं थी। आर्थिक असमानता कम करने के लिए कुछ भी नहीं था। जो मध्यम वर्ग भाजपा को मतदान करता है, भाजपा का मतदाता है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। केवल 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, ऐसा खिलवाड़ जो किया गया है, और पुरानी रेजिम का स्टैंडर्ड डिविएशन 75,000 तक किया है, वैसा कुछ उनको राहत जो है वो कुछ भी नहीं मिली है। वास्तविकता ये है, इस देश में 2.5 लाख तक कमाई रखने वाले जनसंख्या 95% है। तो ना असमानता कम करने के लिए कुछ किया है, ना रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ किया है, ना किसानों के लिए कुछ किया है, ना महिलाओं को कोई राहत दी है, ना महंगाई कम हुई है। ये बजट केवल 2 राज्यों का था, सरकार बचाने का था, और हमारे महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं मिला। शिंदे और अजीत दादा पवार, इन्होंने दावा किया था कि वो मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ इसलिए गए क्योंकि वो विकास पुरुष है, लेकिन फिर महाराष्ट्र को क्यों ठेंगा दिखाया गया इस बजट में, इसका भी जवाब आने वाले चुनाव में इन दोनों को देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।